अहमद और मोन साहब नाश्ता कर रहे हैं। और जी मोन कह रहा था आज मैं हम इधर ही बैठ के करेंगे, मैंने कहा कर लो। तो जी गाजर का भी सालन था, कुछ चने थे और रोटी अभी बनाई जा रही है। अहमद आज भाई आपके पास है, आपको अच्छा लग रहा है? शाबाश, खा लो खा लो। अस्सलाम वालेकुम, देख लो अहमद ने अस्सलाम वालेकुम कर दिया, आप भी करो। अस्सलाम वालेकुम, शाबाश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। कंबल को भी भिगो दिया है, सरफ भी ऊपर डाल दिए, मौसम चेंज हो गया तो जी कंबल धोए जा रहे हैं। अहमद भी मेरे साथ है। अहमद क्या कर रहे हो? तो जी अब इसमें पानी भरूंगी सरफ, और अब सरफ डाल के ना पानी मैंने पाइप से बंद कर लिया है, वो जो बाहर जाएगा। तो इधर सरफ डाल के कंबल को अच्छे तरीके से भिगो दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से ना इसकी मैल निकल जाए। कुछ देर के लिए इसी तरह भिगोया रहने देंगे। पौधों को भी पानी लगा दिया है साथ साथ। और ये क्या कर रहा है? कमरा भी नीट हो गया है। अहमद ने झंडियां लगानी शुरू कर दी हैं। अब कंबल धूप में मैंने सुखा दिया है और अब सूख जाएगा, अल्लाह खैर करे। धूप भी काफी कड़क निकली है। अभी फ्री होके कंबल धोकर अंदर आई हूँ। अहमद क्या कर रहा है? अहमद अब क्या कर रहे हो? फीडर पी लिया? नहीं, क्यों नहीं पिया? चलो आ जाओ इधर, आ जाओ। अहमद अपनी खालू के साथ खेल रहा है। थोड़ा सा कमरा भी रेडी कर दिया क्योंकि जब सर्दी लगती है तो सारे अंदर आ गए। कद्दू बनाने स्टार्ट हो गए हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज इतना मैं थक गई हूँ, मैंने कंबल धोया है ना, इसलिए अकेली ने धोया है। मून भी स्कूल गए थे, खुद ही मैंने सारा किया है। जी हमारे भाई हैं, वो ना अहमद के पापा का पूछ रहे थे, यानी राशिद का पूछ रहे थे। कह रहे थे कि राशिद जो है कब आएंगे। तो जी प्यारे प्यारे बहन भाइयों, तो जी भाई आपको इस वीडियो में ही मैं मैसेज का जवाब दे रही हूँ कि राशिद जो है वो सरप्राइज़ है सबके लिए। तो इंशाल्लाह जब आएंगे वो सरप्राइज़ ही हमें देंगे, बल्कि हम सब के लिए सरप्राइज़ होगा। तो आप सबके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे। तो जी इंशाल्लाह सरप्राइज़ अब हमें कब मिलता है, हमें भी इंतज़ार है और आप सबको भी इंतज़ार है। माशाल्लाह न्याजबू अब बड़ी हो गई है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये। तो जी आजकल मेरा व्लॉग जो है इस सूरजमुखी के फूल से शुरू हो रहा है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और मेरी विश थी कि ये मेरे घर में भी लगे, तो अल्लाह ने ये भी विश पूरी कर दी। और जी ये देखें काफ़ी ये भी बड़ी हो रही हैं डोडियाँ। और जी ये भी फूल निकलने वाला है। मेरी और मून की ज़्यादा विश थी कि ये घर में लगे। और जी इस बेल की भी बहुत हमें विश थी, और लेकिन इसमें अभी तक ना फूल नहीं लगे, ये है टेंशन की बात। क्योंकि मेहनत तो काफ़ी हो रही है लेकिन पता नहीं क्यों इसमें फूल नहीं लग रहे। तो जी आज मैंने बरामदे की भी इधर से सेटिंग की है, सारा सामान एक साइड पे लगा दिया था जो हमें नहीं चाहिए। अहमद ना इसको बिखेर देता था और बहुत टेंशन और मसला बनता था। सारे किचन की सेटिंग होगी और ये जो है सारा बरामदा मैं धोऊंगी क्योंकि मोटर ख़राब थी जिसकी वजह से ना काम का मोटर अब ठीक है। सुबह को बरामदा जो है सारा जो है ना धोना है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सुबह का दिन अच्छा हो। और जी सुबह जो है कल का व्लॉग हम सुबह से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जी आप सब ने मेरा साथ इसी तरह देते रहना है और मेरी वीडियो को जो है लाइक कमेंट और जी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है पूरा हो।
और जी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं व्लॉग जो है बिल्कुल आप सबके लिए अच्छे अच्छे बनाऊं। लेकिन हमारा जो है, जब से राशिद बाहर गए हम कभी बाहर गए नहीं हैं और बाहर जाकर कोई व्लॉग नहीं बनाया। इंशाल्लाह जब आ जाएंगे तो अच्छे अच्छे आप सबके लिए बाहर जाके व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गए तो काम के सिलसिले में हैं क्योंकि इधर इतना काम नहीं था और जी इस वजह से ना हाँ दूर जाना पड़ा। हांडी बना रही हूँ और अहमद जो है ये देखे हाई चला गया। आज अहमद मेरे हाथों में ही नहीं आ रहा, इतना गंदा बना है ना। मैं कह रही हूँ चेंज कर लो लेकिन चेंज ही नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है। हल्की हल्की आंच पे पक रहे हैं, टाइम हो गया है चारपाइयाँ बिछाने का। तो जी आजकल हमारे पास अब्बू होते हैं, शाम को अब्बू आ जाते हैं अहमद के पास क्योंकि अहमद कह रहा था मेरे पास अब्बू जी सोया करें। तो जी शाम के टाइम अब्बू आ जाते हैं हमारे पास और हमारा दिल भी लग जाता है, अहमद का भी दिल लग जाता है। अहमद खुश हो जाता है अब्बू को देख के, बॉल जो धोया था अच्छे तरीके से सूख गया है। और जी आज ये अहमद के लिए मैंने रेडी किया है। बच्ची भी बड़ी हो गई थी, ये हमने काट दी थी क्योंकि ये दरवाजे पे लगती है। और ये देखो ये पौधा वैसे का वैसे ही है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने आज के व्लॉग के बारे में बताना है कि आज का ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।